पुलिस, पुलिस यानी रक्षा का भरोसा। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या वाकई रक्षक है? दिल्ली पुलिस हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते व्यक्ति के पीछे कौन हेलमेट नहीं पहनकर बैठा है, ये दिन हो या रात हमेशा देख लेती है। दिल्ली पुलिस कार के आगे तो आगे, पीछे कौन सीट बेल्ट नहीं लगाकर बैठा है ये भी देख लेती है। दिल्ली पुलिस पिकेट लगाकर एक गाड़ी के पीछे ड्राइविंग के दौरान चालान से बचकर भागते आम नागरिक को देख लेती है, दौड़ा दौड़ा कर उसे पकड़ लेती है। लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस नहीं देख पाती कि एक कार से टक्कर मारे जाने के बाद 12 किलोमीटर तक कार के नीचे घिसट कर मरने के लिए छोड़ी गई एक बेटी को। भारत की शक्ति के केंद्र में मौजूद राजधानी दिल्ली की पुलिस एक घंटे से अधिक समय तक कार के नीचे शरीर की हड्डी टूटने तक, कपड़े फट जाने तक घसीटी गई बेटी को नहीं देख पाती। यह खबर सिर्फ एक बेटी की मौत की खबर नहीं है, उस विश्वास की भी मौत है जिसके दम पर बेटियां घर से काम करने के लिए बाहर निकलती हैं। यह खबर उस भरोसे की मौत की भी खबर है जो दिल्ली पुलिस ने दो दिन पहले रक्षक के तौर पर दिया था। तारीख 29 दिसंबर 2022, मौका था दिल्ली वालों को नए साल के जश्न पर सुरक्षा का भरोसा देना। दिल्ली पुलिस के एक नहीं, चार चार स्पेशल सीपी भरोसे का दावा करने आए। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होंगे जो दिल्ली के सिटीजन्स का, जो सेलिब्रेशन का जो एक बोनाफाइड डोमेन है, उसको हम लोग पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के दावे दो दिन के भीतर कुचल दिए गए, घिसट गए, घिसट घिसट कर दम तोड़ दिए। जब दिल्ली में अपने घर की इकलौती कमाने वाली 20 साल की बेटी को इस परिवार ने खो दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस दावों का दम भरकर सन्नाटा खींचकर सो गई। दिल्ली पुलिस के चार स्पेशल सीपी जो दावे दिल्ली की जनता को सुरक्षित नया साल मनाने के नाम पर दे गए, वो 48 घंटे भी भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर टिक नहीं पाए। नए साल का जश्न मनाती दिल्ली में 31 दिसंबर की रात घर लौटती बेटी को 5 कार सवारों ने 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा, लेकिन एक पुलिस वाला भी देख नहीं पाया, जबकि दावा था हजारों पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस का दावा नंबर दो, जो 12 किलोमीटर तक सड़क पर घिसते हुए दम तोड़ देता है। पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है अक्रॉस दिल्ली, वो 16,500 से ज्यादा का होगा। उसके अलावा 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा और 20 कंपनी से ज्यादा जो आउटसाइड फोर्स है। मेन मकसद है वो है कि जो दिल्ली सिटीजन्स है वो न्यू ईयर को एक बेहतर तरीके से, फैसिलिटेटेड तरीके से उसको मना पाए। कहां थे वो 16,500 पुलिस वाले, 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले, 20 कंपनी से ज्यादा आउटसाइड फोर्स वाले? अगर थे तो फिर क्यों नहीं एक पुलिस वाले ने नहीं देखा इस कार से, स्कूटी से घर लौटती बच्ची को टक्कर मारते? क्यों नहीं एक घंटे से ज्यादा कार से घसीटी जाती बेटी किसी पुलिसकर्मी को नजर आई? पुलिस वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं, डेढ़ घंटे गाड़ी चली है, डेढ़ दो घंटे, मगर किसी ने नहीं देखा पुलिस वालों ने। 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा खुद भी सड़क पर सुरक्षा इंतजाम की निगरानी करने आए। शायद कमिश्नर साहब के सड़क पर रहने तक सब कुछ चाक चौबंद दिखा दिया गया, क्या पता कमिश्नर के यू टर्न लेते ही खो गए दिल्ली के 3 थानों के बीच तैनात पुलिस वाले भी। 29 दिसंबर को 4 स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के ये दावा भी करके गए थे। वुमेन सेफ्टी हमारा फोकस होगा, जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है इसमें 2,500 से ज्यादा वुमेन पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा।
लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद दिल्ली सड़क पर क्यों इस कार के नीचे महिला सुरक्षा के दावों को घिसटने, खींचने और नुचने दिया गया? कहां थी 2500 महिला पुलिस कर्मियों की पलटन जो देश की राजधानी में नहीं देख पाई एक बेटी को कार के पहियों के नीचे अपने शरीर के चीथड़े उड़ने तक घसीटते हुए? बेटी के साथ 5-5 लोगों ने गलत काम करा है, मेरी बेटी के साथ मारा है, कूटा है, नंगी करके गलत काम करा है और फिर उसको मार के गाड़ी के नीचे घसीटा है, गाड़ी के नीचे घसीटा है मेरी बेटी को। ये अभी तक साफ नहीं कि बेटी के साथ किस हद तक जघन्य अपराध किया गया, लेकिन जितना कुछ अभी सामने है उससे दिल्ली की जनता में गुस्सा है, क्योंकि एक बेटी मार दी गई, शायद जिसने दिल्ली के 4-4 सीपी के मुंह से अपनी सुरक्षा के लिए दावे सुन लिए थे। ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस, क्योंकि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है इसमें जो मूवमेंट है, लोग जो गाड़ियों में चलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो बहुत तरह के पॉसिबल वायोलेशंस होते हैं, फुल जो फोकस है वो ये फोकस है कि सेफ एंड सिक्योर तरीके से जो सिटीजन्स का जो राइट है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का वो अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो। था फिर दिल्ली पुलिस का ध्यान, क्या दिल्ली पुलिस का ध्यान राजधानी की दिल्ली की सड़कों पर महज कुछ घंटों के लिए था? क्या दिल्ली में नए साल पर सुरक्षा के दावों ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली थी? संभव है कि कोई सोचे 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में हर पुलिस वाला हर जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता, लेकिन जहां दावा हो कि पिकेट लगाकर सैकड़ों पीसीआर लगाकर सैकड़ों मोटरसाइकिल पर जवान नए साल पर दिल्ली वालों को सुरक्षा देंगे, वहां एक कार से घसीटी जा रही बेटी को कोई एक पुलिस वाला आखिर कैसे नहीं देख पाया? हर शिफ्ट में 350 से ज़्यादा पिकेट लगेंगे और साथ ही जो हमारे जो पीसीआर जो एमपीवीज का डिप्लॉयमेंट है वो भी 1200 से ज़्यादा होगा और मोटरसाइकिल भी लगभग 2000 से ज़्यादा, 2074 मोटरसाइकिल्स भी पूरे दिल्ली में गश्त करेंगी। सवाल सीधा सा, 16,500 पुलिस वाले, 1,000 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले, 20 कंपनी आउटसाइड फोर्स, महिला सुरक्षा का फोकस, 2,500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी, हर शिफ्ट में 350 से ज्यादा पिकेट, 1200 से ज्यादा पीसीआर, गश्त पर 2074 मोटरसाइकिल वाले जवान, कहां थे ये सब जब दिल्ली के 3 पुलिस थानों के बीच सड़क पर 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक बच्ची घसीट कर ले जाई जाती रही और फिर सड़क पर बिना कपड़ों के उस बेटी का शव मिला? नया साल का वक्त था, सड़क पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो गाड़ी है, गाड़ी से जो लड़की की बॉडी है वो ड्रैग होकर जा रही थी और पुलिस को नहीं पता चला? जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें विक्टिम गाड़ी के बिल्कुल नीचे थी, अगर कहीं बोनेट पे या कहीं पीछे ड्रैग हो रही होती तो शायद आसानी से नोटिस में आ सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा था नहीं। सुनकर दुख होता है पुलिस के इस बयान पर, जो अपनी नाकामियों पर ये कहकर पर्दा डालते हैं कि पीड़ित बेटी कार के नीचे लटकी थी तो पता नहीं चला, ऊपर होती तो पुलिस वाले देख पाते। लापरवाही एक नहीं कई हुई, जिसका नतीजा भी है कि जिस देश में पुरुषों के मुकाबले पहले ही बेटियों का घर से निकलकर बाहर काम करना आधा है, वो हिस्सा भी अब भयभीत है, ना भरोसा हो। सुन लीजिए, मेरी भी बेटी है, अगर मैं गलत भेजूंगी तो इस तरह का डर लगा रहेगा क्या?